आजादी, अधिकार और सम्मान कभी मुफ्त में गिफ्ट नहीं मिलता किसी। मुझे इनको रिकमेंड करना पड़ रहा है कि जब जाति जाति की पार्टी बन सकती है, क्षेत्र धर्म भाषा पे पार्टी बन सकती है, तो महिला अस्मिता को प्रमुखता देते हुए क्या पार्टियां नहीं बन सकती है क्या? कि रोटी से भी ज्यादा महत्व स्वाभिमान का है। तब अब ये बात सही चल रही है कि अभी ये सरकार है, डराती है सबको, गिरफ्तार कर लेंगे, तो बहुत डरपोक सरकार है। वैसे नहीं कह रहा हूं, जब सड़क पर हम लड़ेंगे तो आज नहीं कल नहीं परसों 10 साल बाद भी पॉलिटिकल विकल्प हम ही लोग पेश करेंगे, आप लोग पेश करेंगे, ये जज्बा लाइए ना। शुक्रिया, बगैर कोई औपचारिकता के बात रखता हूं। बहरहाल आज मैं आपके स्पेस का इनक्रोचमेंट कर रहा हूं और यहां आने के बाद मुझे लगा कि मुझे बोलना है। एक घंटा बोलना हो बहुत आसान है, मेरे लिए आदत है। 5 मिनट बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। 3 मिनट उससे ज्यादा मुश्किल है, तो हम लोग बीच में 4 मिनट पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आजादी, अधिकार और सम्मान कभी मुफ्त में गिफ्ट नहीं मिलता किसी को, और चाहे घर हो चाहे राजसत्ता हो। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वेग बात करना बहुत आसान है। आपका घर में भी मोदी है एक बैठा हुआ, घर भी एक स्टेट है, एक राज्य है। तो सबसे पहले निबटने के लिए जितने प्रधानपति, मुखियापति, सरपंचपति, विधायकपति, इनको पहले ठीक करना होगा। मुझे लग रहा है मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि मुखिया बनी अनीता जी और स्कॉर्पियो पे मुखियापति इनके साहब घूम रहे हैं, उस प्रवृत्ति को खत्म करना होगा। मैं 2 कोट आपको मैं देना चाहता हूं डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से। एक, जब वो हिंदू कोर्ट बिल लेके आए थे तो उनके खिलाफ में बहुत सारी महिलाएं थी जो संसद में थी। चेंबर में जब बैठे हुए थे तब उसमें वो कुछ एक डेलीगेशन गया उनसे मिलने, तो कुछ महिलाएं तो इसलिए विरोध कर रही थी कि भाई डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स में लिखा हुआ, मैं अपनी बात नहीं कर, अपने मुंह से नहीं कह रहा, कि कुछ किसी को यूएनओ जाना था, डेलीगेशन में जाना था, जेनेवा जाना था, तो इसलिए विरोध करते तो ठीक है, उसको गुड बुक में नाम लिखाते, जैसे आजकल मोदी साहब के सरकार में जी में जी जो मिलाता है वो सबका गुड बुक में नाम होता है, किसी को वीसी बनना है, किसी को रजिस्ट्रार बनना है। और एक डेलीगेशन मिलने गया, तो डेलीगेशन में महिलाओं से डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा कि ये पुरुष लोग जो है अपर कास्ट, अपर क्लास, बड़े लोग साहब, क्लास कास्ट कहने में कोई हर्ज नहीं है, वेग हम बात नहीं करते, सीधा आमने सामने, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? तो उन महिलाओं ने कहा कि हम लोग तो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि मेरे पति ने कहा है कि अगर इस बिल का सपोर्ट करोगे, समर्थन करोगे, तो हम तलाक दे देंगे, ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए मुझे लगता है कि जो इमोशनल ब्लैकमेल है, जो इमोशन है, उससे बाहर आप ही को निकलना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि घर भी है एक छोटा सा राजसत्ता है, स्टेट है, वहां भी होम प्राइम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, और वहां भी क्यों इमोशनल आइडियल वुमन, ममता में माता, बहन, आदर्श, सेक्रीफाइस की सिंबल, जब हैबिट वहां से बनेगी। मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि सास बहुत बहु साजिश वाला, सहमत नहीं हूं। ये उसी तरीके से है जैसे कि दलित लोग कांवड़ ढो रहा है, पिटा रहा है, लेकिन मंदिर में लंबा लेट मार रहा है। ये तो कल्चरल हेजेमनी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि आपको जो आप भी खुश हैं कि माँ जो है डस्टबिन होती है, सारे बच्चों का जो है
छोड़ा हुआ जो बस्ता है, जो क्यों वाई, क्या जरूरत है खाने की? आप साथ बराबर बैठकर, और स्ट्रगल तो यहीं से शुरू होता है। मैडम ने कहा कि मैं विद्रोही प्रवृत्ति का आदमी हूं, तो विद्रोह मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं किया, मैं अपने घर से ही पैदाइशी विद्रोही हूं, और पैदाइशी 4 साल के बाद से नास्तिक हूं, 4-5 साल कर रहा हूंगा तब मुझे पता नहीं। तो विद्रोह तो आप लोग घर से, पिताजी कहते हैं, मां कहती है कि बेटा दिल्ली हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो कलेक्टर बनना, आईएएस बनना तो मान लो, अगर आपको कुछ और बनना है तो मां पिता से विद्रोह करना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट आई डिड। तो विद्रोह की पहली पाठशाला अगर यही आइडियल बनाना, आदर्श गुड बॉयज गुड गर्ल्स बनाना ही अगर घर है और इसे आप पाठशाला कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि दिस इज अ बैड पाठशाला, बहुत खराब है। हम अपने छात्रों को सवाल करना सिखलाते हैं, सवाल तो घर में जब आदत नहीं पड़ेगी सवाल करने की, तो आपको क्या लगता है कि सीधे संसद में जाकर सवाल करेंगे? नहीं, नहीं हो सकता। मैंने तो कहा था अनीता जी को कि विस्तार से वो बोलेंगी और मुझे इनको रिकमेंड करना पड़ रहा है कि जब जाति जाति की पार्टी बन सकती है, क्षेत्र धर्म भाषा पे पार्टी बन सकती है, तो महिला अस्मिता को प्रमुखता देते हुए क्या पार्टियां नहीं बन सकती है? क्या क्यों नहीं बन सकती है? दिखाओ ताकत, बनाना पड़ेगा। और मैं मजाक में नहीं कर रहा था ये बात, जात जात के पार्टी है, निषाद पार्टी है, तो क्या पार्टी है, तो ये पार्टी है, तो हम बना ही हुआ है। तो आप लोगों किसने रोका आधी आबादी को? अगर घर में पति रोकता है तो पति से भी मुकाबला करना पड़ेगा उसमें, लेकिन वैचारिक स्थिति स्पष्ट करनी होगी। सोनी सोनी है दिल्ली में नहीं, आपके पूरा जो महिला जो कंस्ट्रक्शन है उसमें दलित महिला कहां है, ट्राइबल कहां है, माइनोरिटीज क्या है, भी नजर रखना पड़ेगा। हाथरस भी है, वो भी महिला ही है। 6 तारीख को इसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पीपुल्स ट्रिब्यूनल होने वाला है, वो भी होने वाला है। तो ये टोटालिटी में देखना है समस्या को। और मुझे लगता है, मेरा तुम इतिहास का छात्र हूं, 25 साल हिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, ये कोई आपको कुछ देने होने वाला नहीं है। सैक्रिफाइस की आप जो प्रतिमूर्ति बनी हुई है, बेसिकली बंधन बीड़ियां वहीं पर है, वो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और चलते चलते यही 4 मिनट हो गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा हो गए, चलिए शुक्रिया एनीवेज। लेकिन जो मुझे कहना था वो मैं कह चुका, और ये आपको डाइवर्सिटी को भी समझना है। और जब तक आत्मसम्मान और स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, एक भाषण और मैं कोट कर देता हूं डॉक्टर अंबेडकर को, वो कमाठीपुरा में गए थे भाषण देने सेक्स वर्कर के बीच में, और बहुत डॉक्टर अंबेडकर का एक पक्ष शायद आप नहीं जानते हैं, बहुत ही गुस्सैल किस्म के आदमी थे वो, बहुत गुस्सा करते थे और डांटते भी बहुत थे, और उनके कितने सारी सभाएं महिलाओं के बीच हुई। और कमाठीपुरा जो सेक्स वर्कर का इलाका है, वहां उन्होंने भाषण दिया था, किस काम से निकलो, हीरे जावरात गहने छोड़ो, और उन्होंने कहा था कि रोटी से भी ज्यादा महत्व स्वाभिमान का है, उनका फेमस कोट है, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन, वुमेन भी जोड़ लीजिए, दोज हू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये तो आपको तय करना है, आप सब, आप ये बात सही चल रही है कि अभी ये सरकार है डराती है सबको, गिरफ्तार कर लेंगे गिरफ्तार कर लेंगे, तो बहुत डरपोक सरकार है। आप लोगों को लगता होगा, अभी सांसद महोदया कह के गई थी कि उनका बेटा, क्या नाम है इनका, पुनिया साहब का बेटा जेल में 1 महीना से, किसी को पता ही नहीं है, क्यों नहीं पता है, क्या ऑपोजिशन अपना रोल ठीक से कर रहा है? आप पिछले 7-8 साल से उठा के देखिए, मुझे भी अरेस्ट किया था, 20 घंटा का फिल्म शूटिंग हुआ, 20 घंटा में छोड़ना पड़ा। इसी सरकार में किसान आंदोलन जीता कि नहीं जीता, SC ST एक्ट में लोगों ने जीता कि नहीं लड़ाई, रोस्टर का आंदोलन जीता कि नहीं लड़ाई। एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज के साथ दिक्कत यह है कि वो चाहती है
कि विपक्ष की लड़ाई लोग लड़े, जनता लड़े, वो धरना लगाए, वो जेल जाए और हम इलेक्शन के समय जाके सिर्फ वोट ले लें। ना चलवे खेला होवे। जब सड़क पे हम लड़ेंगे तो याद रखिए, जो मैं आपको कह रहा हूं वैसे नहीं कह रहा हूं, जब सड़क पे हम लड़ेंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 साल बाद भी पॉलिटिकल विकल्प हम ही लोग पेश करेंगे, आप लोग पेश करेंगे। ये जज्बा लाइए ना, 33% दे दो, 50% दे दो, काहे का वाय, किससे भीख मांग रही है? यह मुल्क आपका है, आधी आबादी आपकी है, आधी धरती आपकी है, आधा आकाश आपका है। एक कोना तो पहले तैयार कीजिए ना। जिस दिन पार्टी को 10% वोट मिलने लगता है ना, तब लोग कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, डेमोक्रेसी है। जाओ कहां बच्चा, जाओ कहां। अभी ये लोग मान के चलता है कि ये लोग मान रहे हैं, और जैसे सोसाइटी बटा, देखिए अगर एक ही पार्टी सारा फुलफिल कर देती समस्याओं को तो कांग्रेस से अलग फिर वामपंथ क्यों होता, फिर दूसरी पार्टी क्यों बनती? जब इतना मल्टीपल सोसाइटी है तो मल्टीपल सवाल भी होंगे, मल्टीपल समस्याएं भी होंगी। तो अगर हमारी समस्याओं की, आपकी समस्याओं को, ऐसा नहीं कि सारे पुरुष विलेन होंगे, मेरे घर पे आके पता कर सकते हैं, शायद विलेन ये लोग जो जाते हैं पता होगा, कुछ आपके सिंपथाइजर भी होंगे, ऐसे 2% तो होंगे ना। और मैंने इसलिए कहा कि वहां महिला का जो पार्टी का ऑफिस होगा उसमें जितने मेल होंगे पहले उसको ऑफिस अटेंडेंट बनाइए, चाय बनाएगा 15% रिजर्वेशन दीजिए उसको। बोलिए आप जितना आप शिकायत है कि बर्तन मांजना, झाड़ू पोछना, तो ये क्यों नहीं करेगा मेल? ये आदत डलवाइए कि अपना घर में खाना खाए तो प्लेट उठा के खुद किचन में रखे। ये रेवोल्यूशन, एवरी डे फॉर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति एक दिन में सब पूरा ब्रह्मांड की क्रांति नहीं होती है, हर दिन तोड़ना पड़ता है, हर दिन बदलना पड़ता है। शुक्रिया, थैंक यू।